ये बन रहा है आप लोगों का पॉर्क फ्राई, इसको धीमी आंच में आप लोग बनाएंगे इस तरह से। मसाला जस्ट अदरक लहसुन और हल्का सा जीरा, इसको फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा बॉईल करके मसाला को फ्राई करके बस पॉर्क को बॉईल होने देना चाहिए उधर पे, क्योंकि फ्राई करने से इसका जितना तेल है ना वो सब निकल जाएगा, बाद में पूरा का पूरा सब्जी तेल ही तेल होते रहेगा। धीमी आंच पे रखिए, इसमें कुछ भी नहीं देना है, अदरक लहसुन थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सूखा मिर्चा या कच्चा मिर्चा जो भी आप लोग को पसंद है, जस्ट बॉइल इट, क्योंकि इसका जो तेल है तेल बड़ा है, इसका फैट्स तेल का मतलब जो फैट्स पीस है और ये इसका फ्लेश पीस है, फ्लेश देखिए लोकल नहीं है हाइब्रिड है, लोकल होने से बहुत टाइम लगता है इसको पकाने के लिए। हल्का आंच में इसको थोड़ा बॉईल होने के लिए दीजिए। इसका सर है मछली, बॉईल हो रहा है पॉर्क को, पहले आप लोग को थोड़ा 10 मिनट जैसा पानी में उबालना है थोड़ा नमक डाल के, हो सकता है तो आप लोग का पास अगर टमाटर है तो एक पीस टमाटर भी दे सकते हैं, लेकिन आखिर में अभी नहीं, धीमी आंच में इसको बॉईल देना है।